नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली के NSP में, यानी नेताजी सुभाष पैलेस में, कार डील पे, जहां से हम आपको वीडियोस देते रहते हैं। और आज कुछ गाड़ियाँ अपडेट हुई हैं और आज का मैं लाइनअप दिखाऊँ आपको। तो यहाँ आपकी मोस्ट फेवरेट कार, जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से परचेज करते हो, XUV500 एक ये खड़ी हुई है ओल्ड शेप की, एक न्यू शेप की खड़ी हुई है, एक आपकी सुपर हैवी सेंगयोंग रेक्सटन खड़ी हुई है, और एकॉर्ड और भी कई सारी गाड़ियां आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सारा फ्रेश वीडियो होगा, अपडेटेड होगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन एक रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है न्यू टू एक्सप्लोर की टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती रहती है और कोशिश करती है कि आप भी अपनी एक ड्रीम यूज्ड कार परचेज करें। चलिए अब मैं मिलवा देता हूँ आपको राहुल भाई से। राहुल भाई, क्या हाल है सर? सुस्वागतम। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या है आज? बहुत सारी गाड़ियां हैं सर, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं 30-40 XUV हम भी दिखाएं। हम भी, हमारे पास भी हैं लगभग 30 XUV हैं। अब सही अगर मैं मायने में पूछूं तो अगले हफ्ते तक हम एक्सपेक्ट करें। हाँ देखो, रेडी तो नहीं हो पाएंगी। देखो इकट्ठे मेरे पास 30 XUV हैं। कोई भी अगर XUV लेना चाहता है तो कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आज पता कर ले। राहुल भाई एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज दिखाते हैं। देखो आप XUV दिखाते हैं, कितनी खड़ी हैं जो आपके दिखाने के लिए तैयार होंगे। थोड़ा सा आप आइए राहुल भाई, इधर से आते हैं। ये देखो यहाँ पे लाइनअप लगा, पीछे भी हैं, मतलब यहाँ से देखो राहुल कह रहा हूँ, देखो ये XUV यहाँ से वहाँ तक पूरा दिखा, पीछे तक है, उधर भी आकर के ये देखो पूरी ये XUV लगी हुई है। और उधर देखेंगे, उस साइड में देखेंगे तो उधर भी लगी हुई है। मतलब XUV में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये क्या है, किसी में बम्पर का पेंट होना है, किसी में कुछ होना है, छोटी मोटी कमियां जो होती हैं आपको दूर करके दी जाएंगी। तो और जो तैयार गाड़ी है ये भी तैयार ही कह सकते हो, छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं इस पे, शुरुआत कर देते हैं इसी से, बाकी ये सब तैयार होने वाली हैं। धीरे धीरे देखो मिलती रहेंगी, लाइनअप में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महा मेला कहेंगे एक दिन लगने वाला है। हाँ अभी लगेगा बिल्कुल, XUV का दिखाऊंगा वहां से लेके उस कोने तक। XUV होंगी 12-13 रीजनेबल प्राइसेस के अंदर। तो आज इसके भी डिटेल बता दो सर। ये है 2013 मॉडल है, W8 के अंदर आपको अपना टच स्टीरियो मिलता है, नेविगेशन मिलती है, DRL मिलते हैं, प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, लेदर सीट कवर मिलते हैं, टायर कंडीशन बहुत अच्छी है। 2013 मॉडल गाड़ी है, XUV500 W8, दिल्ली का नंबर है गाड़ी, चला रखी, दिल्ली रजिस्टर्ड है, लगभग 80-90 हजार के करीब चली हुई है गाड़ी। ठीक है। एंड इसके प्राइस की बात करें तो 4,95,000 रुपए, 4,95,000 2013 W8 2013 में लिए। लेकिन ये शेप चेंज हो जाएगी, नई शेप कोई कहेगा करा देंगे, इसको नई शेप भी करा के दे सकते हैं। बिल्कुल करा देंगे सर, जोन सी कोई कस्टमर आता है, नई शेप हो जाती है, वो बड़ी शेप की ये खड़ी हुई, ये नई शेप कन्वर्टेड है, 2013 है ये भी, W6 है सर शायद। हाँ। ये W6 है, बाकी लेदर सीट कवर गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, एस वाली DRL है गाड़ी के अंदर, प्रोजेक्टर है गाड़ी के अंदर, बाकी ब्लूटूथ स्टीरियो, क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, स्टीयरिंग कंट्रोल, सब कुछ होता है W6 के अंदर। ठीक है। ये कितनी चली? ये 2013 है, ये भी सर 90,000 के अराउंड चली हुई है गाड़ी। इसका प्राइस है 5,25,000 रुपए, बिकॉज ऑफ दिस न्यू शेप कन्वर्टेड, 5,25,000, 2013 W6, बढ़िया वेल मेंटेन गाड़ी। अब ये एक दिखाएंगे सेंगयोंग रेक्सटन, ये सर महिंद्रा की ही गाड़ी है, महिंद्रा की है सेंगयोंग रेक्सटन है, सबको पता ही है कि रेक्सटन की एक खास बात है कि इस प्राइस रेंज के अंदर सनरूफ एंड ऑटोमेटिक डीजल गाड़ी 7-सीटर में इस रेंज के अंदर नहीं मिलती। जिस रेंज के अंदर हमारे को रेक्सटन मिल जाती है महिंद्रा की, इजिली सर्विस है, महिंद्रा के अंदर सर्विस कराओ। गाड़ी के फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर लग्जरी कार वाले सारे फंक्शन होते हैं, फ्रंट में DRL मिलते हैं, प्रोजेक्टर मिलते हैं, सनरूफ, लेदर सीट कवर्स, इलेक्ट्रिक सीट, मेमोरी सीट, ब्लूटूथ मिलता है, ब्लूटूथ स्टीरियो, बाकी 7-सीटर गाड़ी है, टायर कंडीशन गाड़ी की ठीक है। 2013 RX7 फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, टॉप वेरिएंट हो गया, टॉप मॉडल है, गाड़ी चली है 45,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है गाड़ी, मतलब 13 से लेकर अभी तक 45 विद सर्विस रिकॉर्ड है सर गाड़ी। Okay. अभी एक 12 मॉडल XUV दिखाई थी, कस्टमर रिकॉर्ड चेक करवा के आया था। आजकल तो महिंद्रा में फोन मारो रिकॉर्ड निकल जाएगा, गाड़ी का नंबर हमसे पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी कस्टमर को लगता है तो ये गाड़ी का नंबर है, आप देख सकते हैं, अपने घर से निकले तो रिकॉर्ड चेक करके हैं, लो जी कोई दिक्कत ही नहीं है। HR 26 गुड़गांव का नंबर है गाड़ी। राहुल बहुत सारे लोग, एक छोटी सी बात है कहने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये ना आप नंबर प्लेट क्यों लगाते हो,
ये क्यों? ये नंबर प्लेट लगाने का मतलब होता है ब्रांड प्रमोशन, ब्रांडिंग। हाँ, ये ब्रांडिंग है, इसमें कोई छुपाव नहीं है नंबर का। कोई कस्टमर फोन करता है तो नंबर क्या, वीडियो कॉल पे हर चीज दिखाते हैं सब कुछ। ये तो ब्रांड प्रमोशन है सर, नॉर्मली हम प्रमोशन ही कर रहे हैं इस टाइम भी। तो वो वाली बात, हाइड करने का कारण ये नहीं होता कि आपको नंबर नहीं डाले। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2013 है, इंश्योरेंस पड़ी है, 8 लाख की वैल्यू है इंश्योरेंस में, एंड दोनों चाबी है, एक भी पीस गाड़ी का पेंट नहीं। अच्छा, पूरी ओरिजिनल, पूरी ओरिजिनल है, 45 विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू का मतलब ब्रांड न्यू गाड़ी है। लग रही है अगर इंटीरियर को देखो, बिल्कुल नई तो पड़ी है, 2013 है सर। पर्ल व्हाइट कहेंगे इसे? हाँ, पर्ल व्हाइट कलर है सर। कितने? 2013 RX-7 रेक्सटन 675, 6,75,000 में 7 सीटर ऑटोमेटिक सनरूफ वाली गाड़ी है। ओनर फर्स्ट है सर, फुली इंश्योर्ड है, दोनों चाबियां हैं, इंश्योरेंस वैल्यू भी बहुत अच्छी है, 8 लाख रुपए की इंश्योरेंस वैल्यू। तो नंबर हाइट का जो क्वेश्चन है उसका भी आज हमने आपको आंसर दे दिया है। तो ये खड़ी हुई है अकॉर्ड, ये सर है होंडा अकॉर्ड 2010 ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर लोग ढूंढते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है, अकॉर्ड है, और बहुत साफ और बहुत वेल मेंटेन गाड़ी है। पेट्रोल ही है ना? पेट्रोल है, इंटीरियर एक्सटीरियर देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है, दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी है। जो इसका प्राइस है वो 3,45,000, 10 मॉडल का, 10 मॉडल पेट्रोल, 3,45,000 की अकॉर्ड और वेल मेंटेन कार चली हुई, लगभग 80-85,000 के करीब चली हुई। कोई पीस वगैरह, बम्पर वगैरह टचिंग होगी, बाकी गाड़ी साफ है, नॉन एक्सीडेंटल है गाड़ी। 3,45,000 की डील। और अब आपकी एक और जो सबसे ज्यादा डिमांड, और तो अब एक और वरना ये खड़ी, ये सर है 2012 वरना फ्लूडिक, दिल्ली का नंबर है गाड़ी, लगभग 75,000 के करीब चली हुई है, दिल्ली नंबर वरना फ्लूडिक 1.6 SX, टॉप मॉडल गाड़ी है, डीजल पे एवरेज लगभग 15-16 की एवरेज होती है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है 3,65,000, 3,65,000 की है प्राइस, नेगोशिएबल है, आ जाए। ये वेल मेंटेन साफ गाड़ी है जो हमारे पास वरना। और एक की आ गई CRV। हाँ जी, ये CRV है सर, 2008 मॉडल है, पेट्रोल ऑटोमेटिक विद सनरूफ, सनरूफ वाली CRV। इसमें सनरूफ कौन सा, 2008 में सनरूफ आता था इसमें? हाँ, ये सर अपने टाइम में 25-30 लाख रुपए की गाड़ी है, सनरूफ वाला तो टॉप मॉडल है ना ये। इसके अंदर सनरूफ भी आपको मिलती है, ऑटोमेटिक शिफ्टिंग मिलती है, ओके, बॉश हैंड रेस्ट मिलते हैं, सीट कवर भी लेदर के लगे हुए हैं, लेदर सीट कवर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये सर 2008 है, सेकंड ओनर है, HR26 गुड़गांव का नंबर है गाड़ी, और वेल मेंटेन गाड़ी है, कोई CNG वगैरह कुछ नहीं लगी हुई, CNG लगवाना चाहे तो लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, CNG पे गाड़ी कामयाब है। 10-12 का एवरेज आता होगा? नहीं, पेट्रोल पे तो देखो 8-9 का एवरेज है, CNG लगाओगे तो 3 रुपए किलोमीटर चलेगी। हरियाणा का नंबर है, इसका प्राइस है 2,95,000 रुपए, 295 में। तो ये कितना, क्या है डिटेल राहुल भाई इसकी? 2018 फर्स्ट ओनर, 40,000 चली हुई, विटारा ब्रिजा ZDI प्लस, दिल्ली का नंबर, 40,000 रिकॉर्ड के साथ चली हुई है, प्राइस है 6,75,000 रुपए। टायर की बात करूँ, चारों टायर नए हैं गाड़ी के, 2018 फर्स्ट ओनर ZDI प्लस व्हाइट कलर फर्स्ट ओनर, 40,000 चली हुई। 6,75,000 रुपए अल्टीमेट प्राइस कह सकते हो उसके। अब क्रेटा, ये हुंडई की क्रेटा 1.6 SX ऑप्शनल। SX ऑप्शनल का मतलब पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, नेविगेशन, टच स्क्रीन, सब कुछ लेगा इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, 2016 मॉडल हुंडई क्रेटा, DRL लाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टच स्क्रीन, साफ सुथरी गाड़ी है, गाड़ी में कोई काम नहीं कराना, स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ मिलता है। ठीक है, 2016 सेकंड ओनर, ओके, दिल्ली नंबर, गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म है, डीजल की है, विटारा ब्रिजा की इंश्योरेंस पड़ी है, इसकी इंश्योरेंस खत्म है। वीडियो में पहले ही बता रहा हूँ, कोई कस्टमर पूछे, 57,000 चली हुई और नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी, ओके, 6,95,000, 6,95,000 रुपए, 8 लाख की भी नहीं मिलती, टॉप मॉडल है, 1.6 SX ऑप्शनल। अब मैं एक सवाल करूँ, लेकिन लोगों के मन में होता है भाई सस्ती दे रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हम प्रमोशन कर रहे हैं, कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है हमारा, तो ये एड है सर, प्रमोशन है, प्रमोशन में कंपनी दे रही है, जिसने ये तो चीजें ऐसी हैं सर, आता भी नहीं है बंदा लेने, घर मंगा लेता है अपने सीधा। चलिए, 6 लाख ब्रिजा और क्रेटा के एकदम अल्टीमेट प्राइस हैं, और अब आ जाती है ये है सर अपना इको स्पोर्ट 2014 टाइटेनियम ऑप्शनल। तीनों गाड़ियां जो दिखाई, तीनों ही टॉप एंड वेरियंट है, टॉप एंड, ये नहीं की SX होगा, SX के अंदर क्या होता है, चाबी लगती है, पर टॉप मॉडल होती है। ये पुश बटन होगी, पुश बटन स्टार्ट, ब्रिजा पुश बटन स्टार्ट, ये भी पुश बटन स्टार्ट है, तीनों पुश बटन है। हाँ, 2014 हरियाणा का नंबर है, गाड़ी का नंबर है 1234। अच्छा, दिखा दे, दिखा सकते हैं? हाँ दिखा दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दो, ये देख लो, जब
BC 1234। हाँ 1234 2014 सेकंड ओनर है। नंबर से आप रिकॉर्ड वगैरह सब चेक कर सकते हैं। लगभग 1 लाख के करीब गाड़ी चली हुई है। ठीक है 2014 नवंबर की टाइटेनियम ऑप्शनल, लगभग 1 लाख के करीब गाड़ी चली हुई। इसका जो प्राइस है 3,95,000, मतलब टॉप एंड वेरिएंट अंडर 4 लाख रुपीज, वो भी 14 मॉडल। 2014 टाइटेनियम ऑप्शनल इको स्पोर्ट 3,95,000 प्राइस इज नेगोशिएबल। तीनों गाड़ियां अल्टीमेट हैं, आज की डील है, ये हॉट डील कहोगे इन्हें। 2 मिनट में देखो लोन की फैसिलिटी की बात करूं, फिलहाल हमारे यहां पे लोन की फिलहाल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हर गाड़ी की एनओसी मिल जाएगी, हर गाड़ी की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल इंडिया की अवेलेबल है। जो भी गाड़ी देखते हैं उसकी बुकिंग करा के हैं। कई बार क्या होता है कस्टमर आता है, अब एक इस प्राइस के अंदर कस्टमर एक नहीं होते, 100 होते हैं लेने वाले। गाड़ी अगर समझ आ रही है, देख के आए, जो भी पैसा डालते हैं वो कार डील के ऑफिशियल अकाउंट में डालते हैं, तो पक्के के पैसे की कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर आप कोई भी पैसा अकाउंट में डालेंगे तो एक नंबर होगा, जो एक नंबर का पैसा होता है, उसके बाद आपको उसके पैसे की रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, अगर आप गाड़ी देखने आए, एडवांस दे के आए, गाड़ी नहीं आई समझ, तो आपने पैसे वापस ले सकते हैं। वापस ले सकते हैं बिल्कुल। और बाकी आइए एक बार देखिए, आइए समझिए। एड्रेस नीचे दे रखा है, इंस्टाग्राम पे कार डील के नाम से पेज है हमारा, cardeal.nsv, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा न्यू टू एक्सप्लोर का भी है, न्यू टू एक्सप्लोर के नाम से ही है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे भी हम कई सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, तो वहाँ भी देख सकते हैं। बिल्कुल, बाकी सारी ऑलमोस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो है ही हैं। डॉक्यूमेंटेशन का आपको कुछ कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। बस एक ही अभी समस्या चल रही है, वो है कि लोन नहीं है अवेलेबल फिलहाल। आने वाले टाइम में सर देखेंगे, प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है राहुल, ओके मिलेंगे आज, तो थैंक यू, हॉट हॉट कर दिया आपने सब कुछ। तो ये था आज का वीडियो, और अल्टीमेट प्राइसिंग, अल्टीमेट डील और अल्टीमेट कार, सब कुछ आज का शानदार था। और बाकी आपने बताना है कैसा लगा, और इन गाड़ियों की जो कंडीशन, प्राइसिंग और इनके मॉडल्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए आपको कैसी लगी। बाकी कोई भी मन में सवाल हो तो हमें लिखिए, बताइए, हम उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी खत्म करता हूँ उन्हीं दो शब्दों के साथ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्वस्थ मत रहो। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, नई रिलेशनशिप और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।